हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब का वो काम में लेते हैं जब पेशेंट का लंग्स काम करना बंद कर दे या फिर कम कर रहा हो, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो। मोस्ट कॉमनली ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम में ली जाती है। इसे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहते हैं जब ये एंडोट्रेकियल के थ्रू डाला जाता है। ये दोस्तों लैरिंगोस्कोप है जिसके थ्रू अपन लैरिंग्स को विजुलाइज करते हैं और ट्यूब को इंसर्ट करने में ये हेल्प करता है, एक तरीके से गाइड का काम करता है। इस तरीके से फ्रेंड्स लैरिंगोस्कोप को ओरल कैविटी के थ्रू इंसर्ट करेंगे और पुल करेंगे इसके टंग को और एपिग्लॉटिस को हटाएंगे और एयरवे से जो कि रेस्पिरेटरी वे है उससे, और ओपन करेंगे। यहाँ से एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और ट्रेकिया तक पहुंचाते हैं। इसके बाद में बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है। ये बैलून है दोस्तों, आगे डिस्कस करेंगे, कफ बोलते हैं इसको, ताकि ये इंटैक्ट रहे और लीकेज नहीं हो गैसेज का। ओनली ट्यूब के थ्रू ही गैसेज का एक्सचेंज होगा। यहाँ से फिक्स कर देते हैं। और दोस्तों ये है ट्यूब्स के पार्ट, जो कनेक्टर है और कफ है और नीचे बेवल है, मर्फी आइज होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जो पायलट बैलून होता है जो प्रेशर मेंटेन करने के लिए काम में आता है कफ के अंदर, ये दोस्तों इंस्ट्रूमेंट है जो काम में लेते हैं। लैरिंगोस्कोप है, सिरिंज है जो एयर फिल करने के लिए, और ये एयर वे जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है वो ओरल कैविटी को ओपन या फिर ट्यूब टंग बाइट से बचाने के लिए काम में लेते हैं। ये अलग अलग कलर का होता है साइज़ के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं अपन। मोस्ट कॉमनली जो येलो और रेड का काम में आता है एडल्ट पेशेंट्स के अंदर, बाकी चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर लेते हैं। इसके एयरवे के अलग अलग पार्ट होते हैं, जो कलर कोड होता है इसके अकॉर्डिंग अपन चूज करते हैं। और जो आगे का जो राउंड पार्ट है उसको अपन टंग को प्रोड्यूस करके रखता है और टंग को होल्ड करके रखता है, और इसको माउथ के अंदर फिक्स रखते हैं ईटी ट्यूब के साथ में। दोस्तों पीडियाट्रिक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती है वो अनकफ्ड होती है, और इसका किस एज के अकॉर्डिंग किस साइज़ का यूज़ लेना है इसके बारे में अपन अगले फार्मूला में देखेंगे। दोस्तों ये एंडोट्रेकियल ट्यूब का कैथेटर माउंट बोलते हैं, जो कि वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट करने में काम आता है। सभी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उनका डायमीटर 15 mm होता है, जो कि सभी मतलब कि पीडियाट्रिक से अडल्ट तक सबके अंदर सेम साइज़ का जो कनेक्टर होता है वो होता है, और अपन कैथेटर माउंट से वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट करते हैं। ये है दोस्तों पायलट बैलून, जो कि कफ को इन्फ्लेट करने में काम में लेते हैं। नॉर्मल इसका 20 से 30 सेंटीमीटर ऑफ S2 प्रेशर रखते हैं, जिसका ओवर इन्फ्लेमेशन और अंडर इन्फ्लेमेशन को पता लग जाए और जो ट्रेकियल वाल डैमेज होने से बचा सकते हैं अपन, और लीकेज ऑफ गैसेज है उसको भी बचा सकते हैं। इसके टाइप्स होते हैं ईटी ट्यूब्स के, कफ्ड और अनकफ्ड। जो कफ्ड ट्यूब होती है जो मोर देन 80 ईयर्स के चिल्ड्रन होते हैं उनमें लेते हैं, और कफ ट्यूब के अंदर अपन प्रेशर मेंटेन करके उसको लीकेज से बचाते हैं। बिलो 8 ईयर अनकफ्ड ट्यूब यूज़ लेते हैं बिकॉज ऑफ जो बच्चों का नेरो सब ग्लोटिक होता है वही एक तरीके से कफ का काम करता है और वो प्रिवेंट करता है ट्यूब को स्लिप होने से। इस इमेज में फ्रेंड्स अनकफ्ड और कफ्ड ट्यूब दिखाई गई है। फर्स्ट इमेज में पीडियाट्रिक ट्यूब है और सेकंड के अंदर जो कफ को इन्फ्लाम नहीं किया गया, और थर्ड वाले में कफ को इन्फ्लेट किया गया है। नेक्स्ट है मर्फी आइज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। ईटी ट्यूब का जो डिस्टल एंड होता है उसके पास में ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद होता है, जो ट्यूब का जो डिस्टल एंड है अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो मर्फी आई के थ्रू स्टिल अपन मतलब ब्रीदिंग जो पेशेंट को एयरवे प्रोड्यूस किया जा रहा है वेंटिलेशन वो चालू रहेगा अगर डिस्टल एंड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। एनीवे ट्यूब की साइज़ किस हिसाब से डिसाइड करते हैं इसके लिए फार्मूलाज है। अनकप ट्यूब के लिए और कप ट्यूब के लिए अलग अलग हैं। जो अनकप्ड के लिए लेते हैं, जो एज के अंदर फोर्स का भाग देना है और चार्ज को जोड़ देना है उससे अपन अनकप्ड ट्यूब की साइज़ का पता लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही कप ट्यूब के लिए फोर्स से डिवाइड करके एज को 3.5 को ऐड कर देना है। फ्रेंड्स ईटी ट्यूब 2 mm टू 16 mm की इंटरनल डायमीटर की आती है, अलग अलग रेंज से स्टार्ट है 2 से 16 की, और इस साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए अपने फार्मूला पढ़ा है।
इन केस ऑफ इमरजेंसी रफली पीडियाट्रिक के अंदर अगर अपने को ईटी ट्यूब चूज करने में प्रॉब्लम हो रही तो जो जिस चाइल्ड के लिए यूज़ लेना उसकी लिटिल फिंगर का डायमीटर चेक कर लो और इस ईटी ट्यूब का डायमीटर मैच कर लो तो वही ईटी ट्यूब उसके लिए सफिशेंट या फिर सूटेबल होगी। फ्रेंड्स ईटी ट्यूब के प्रॉक्सिमल एंड और सेंट्रल पोर्शन और डिस्टल पोर्शन अलग अलग तीन पोर्शन होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड 15 mm का एडेप्टर होता है जिसे कनेक्टर भी बोलते हैं, जो कि एम्बू बैग या फिर वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट करते हैं। सेंटर पोर्शन के अंदर सेंट्रल पार्ट के अंदर रेडियो ओपन लाइन होती है जिसे जो अलग अलग मार्किंग होती है के अंदर और कफ होता है लास्ट में आइडेंटिफाई। उसके बाद में आता है डिस्टल एंड, इसके अंदर मर्फी आइज होती है ओपनिंग इन द लेटरल वॉल्व और कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो उसे प्रिवेंट करता है, स्टिल ब्रीदिंग करता है। वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं तो उनका टाइम टू टाइम सक्शनिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके लिए अपने सक्शन कैथेटर चूज करना है तो किस हिसाब से करते हैं, तो जो डायमीटर होता है इंटरनल डायमीटर ईटी ट्यूब का उसका हाफ या उससे कम होना चाहिए जो सक्शनिंग ट्यूब है उसका।